की बात, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए महिलाएं तैयार हैं। बीजेपी हेडक्वार्टर पर महिलाओं के जुटने का सिलसिला लगातार जारी है। इस पूरे मौके को एक जश्न के तौर पर महिलाएं देख रही हैं और जश्न के तौर पर ही पूरे देश भर से तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन सबके बीच देवेंद्र, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास दो हथियार है। पहला टाइमिंग को लेकर विपक्ष सवाल कर रहा है और दूसरा ओबीसी आरक्षण को लेकर कर रहा है। अभी भी जो कांग्रेस नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही है वो ये कि सिर्फ प्रधानमंत्री को चुनावी फायदा पहुंचाने के लिए महिला आरक्षण बिल लाया गया है, इसमें महिलाओं का कोई फायदा नहीं है। प्राची, अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पॉलिटिक्स को देखें, आज जब बीजेपी कांग्रेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के एलाइज भी उनके साथ हैं। कांग्रेस के एलाइज की पूरी कोशिश रहती है कांग्रेस पार्टी की कि जातियों का जो कंट्रास्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उभारा जाए, उसके आधार पर अपनी पॉलिटिक्स को किया जाए। दूसरी तरफ बीजेपी की कोशिश रहती है कि जो रिलीजन का मसला है, अपीजमेंट का चाहते हैं, उस मसले को ज़्यादा चटक रूप में पेश किया जाए ताकि जो वोटर्स हैं उस पर ज़्यादा कास्ट के आधार पर डिसीजन ना हो। ये महिला आरक्षण बिल को भी लेकर आप देखें तो पूरी कोशिश वैसी ही नज़र आ रही है। जातियों के मामले में अपोजिशन को ये समझ में आ गया है कि जो महिला वोटर्स हैं उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा संदेश दे दिया है। अब उसका प्रभाव कम करने के लिए आरक्षण का राग उठाकर, उस आरक्षण का राग उठाकर जो कि उनके अपने बिल में नहीं था, और अपने बिल में इसलिए नहीं था क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था है ही नहीं, उसकी बात बार बार कहना, उस संविधान संशोधन करना। अगर संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव देना था तो मांग पहले ये उठनी चाहिए कि पार्लियामेंट या विधायिका में जो संख्या है जी, उसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन कर दिया जाए। उस मांग है कि ये सिर्फ क्योंकि पॉलिटिक्स को करना है, और ये समझा भी जा सकता है कि अपोजिशन इस बिल का समर्थन तो कर रहा है मजबूरी में, लेकिन अगर उसको उसी रूप में जाने दे तो फिर वो अपने वोटर्स के लिए क्या मैसेज देगा, उसके लिए बार बार संशोधन वाली बात कही जा रही है। बिल्कुल, इसमें अपना भी लाभ लेने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और सीधा टारगेट इस बिल के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना